सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि रियलमी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और यूज़ करते हैं रियलमी के डिवाइसेस, जो कि यार बहुत अच्छे डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे रियलमी के तरफ से एक लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि इंडिया के अंदर हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, रियलमी 7 प्रो, जो कि रियलमी 6 प्रो का एक यूथ सक्सेसर होने वाला है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। रियलमी 7 प्रो जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इस फ़ोन का स्पेक्स भी लीक हो चुका है, जिससे यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि रियलमी 7 प्रो जो कि इंडिया के अंदर हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट लीक हो चुका है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.67 इंच का डिस्प्ले फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के अंदर जैसे कि सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो अगेन यार, इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले हम लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और डिस्प्ले जैसे कि फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाला है। सेल्फी के लिए इस फ़ोन के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 2nd जनरेशन का पॉपअप सेल्फी कैमरा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग से इस फ़ोन का डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले में थोड़ा सा एज भी देखने को मिलेगा और जैसे कि सुपर एमोलेड का पैनल मिल रहा है, तो नो डाउट इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। चिपसेट हम लोगों को स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल रहा है। अब ये चिपसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, चिपसेट 2.6 GHz पे क्लॉक है, क्लॉक स्पीड भी हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। चिपसेट डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। अगेन इस फ़ोन के अंदर हम लोग को बहुत अच्छा चिपसेट देखने को मिल रहा है, UFS 3.0 स्टोरेज, LPDDR4X रैम और NFC का सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो पेंटा रियर कैमरा सेटअप इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का। लेटेस्ट प्राइमरी कैमरा इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाय 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, फॉलोड बाय 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फॉलोड बाय 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, फॉलोड बाय 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर। अगेन इस फ़ोन के अंदर हम लोग को कैमरा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में, फ्रंट में देखने को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। फ्रंट में भी हम लोगों को लेटेस्ट सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, तो 6000 mAh का बैटरी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। अगेन इस फ़ोन के अंदर हम लोग को बैटरी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और ऐसे नॉर्मल यूजर्स के लिए बैटरी इस फ़ोन के अंदर हम लोग को रियली में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो गेमिंग के टाइम भी आप लोगों को बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए 55W का एक फास्ट चार्जर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जर भी बॉक्स के साथ ही आने वाला है। इन द बॉक्स ये चार्जर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm का ऑडियो जैक इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो रियलमी 7 प्रो का एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज में, 15,000 से 20,000 रुपीज़ के रेंज में। तो प्राइसिंग इस फ़ोन का हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मिड रेंज के प्राइसिंग में स्पेक्स भी इस फ़ोन के अंदर हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई अगर आप लोग रियलमी 7 प्रो के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि मिड रेंज के प्राइसिंग में फ्लेक्सिब लेवल का स्पेक्स इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यार और क्या चाहिए मिड रेंज के प्राइसिंग में, और रियलमी 7 Pro जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो क्या कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।